The vector point function f is denoted by div f. Okay, if we have the vector point function that is f, have the value f1i plus f2j plus f3k, then divergence of the vector f is given by del dot f. हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं क्योंकि del भी एक क्या है, वेक्टर क्वांटिटी होती है, उसमें ij के प्रेजेंट है, डायरेक्शन भी है, मैग्नीट्यूड भी है. हम इसको अगर सोल्व करें तो हमें क्या मिलेगा, i del over del x plus j del over del y plus k del over del z. इट इज द वैल्यू ऑफ डेल डॉट f. हमारे पास क्या है, f1i प्लस f2j. ओके, प्लस f3k. ये हमारे पास वैल्यू है. अब दोनों का अगर हम डॉट प्रोडक्ट लें, i डॉट i1 j डॉट j1 k डॉट k1 अदर जीरो, इसके अलावा सभी क्या होंगे, जीरो होंगे, और हमें क्या मिलेगा, डेल एफ वन ओवर डेल एक्स प्लस डेल एफ टू ओवर डेल वाई प्लस डेल एफ थ्री ओवर डेल जेड. इसका मतलब है देखिए, अगर हम किसी वेक्टर क्वांटिटी का डाइवर्जेंस लें तो हमें क्या मिलती है, प्योरली स्केलर फंक्शन मिलता है. ओके, कैसा फंक्शन है ये, स्केलर फंक्शन. अब डाइवर्जेंस का बहुत इंपॉर्टेंट यूज है फॉर एनी इनकम्प्रेसिबल फ्लूड. अगर फ्लूड मोशन को हम एक्सप्रेस करते हैं बाय द वेक्टर v, तो क्या होगा, डाइवर्जेंस ऑफ v जीरो होगा. हम ये भी कह सकते हैं कि अगर किसी फ्लूड पार्टिकल के लिए डाइवर्जेंस v इक्वल्स टू जीरो है तो फ्लूड इनकम्प्रेसिबल होगा. ओके, हम एक और रिमार्क लिख सकते हैं इसलिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट मार्क. वी हैव वन मोर रिमार्क फॉर सोलेनोइडल वेक्टर v. वी मस्ट हैव डाइवर्जेंस ऑफ v शुड बी इक्वल टू जीरो. तो हम कहेंगे वेक्टर v क्या है, सोलेनोइडल है अगर उसका डाइवर्जेंस क्या है, जीरो है. नेक्स्ट, वी हैव द नेक्स्ट टॉपिक दैट इज कर्ल और से रोटेशन ऑफ अ वेक्टर पॉइंट फंक्शन. द कर्ल ऑफ अ वेक्टर पॉइंट फंक्शन f डिफाइंड एज कर्ल ऑफ f इज गिवन बाय डेल क्रॉस f. अगर हम डेल और f की वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करें, वेयर f is given f1i plus f2j plus f3k. ओके, अब हमें देखिए डेल की वैल्यू पता है, i डेल ओवर डेल x प्लस j डेल ओवर डेल y प्लस k डेल ओवर डेल z. This is the value of del cross f1i plus f2j plus f3k. और हम इसको कैसे लिख सकते हैं, we can write this one like that, i j k del over del x del over del y del over del z, then f1 f2 F3. ओके, और इसका जो सॉल्यूशन होगा बाय द प्रॉपर्टी ऑफ डिटरमिनेंट दैट विल बी द कर्ल. ओके, कर्ल ऑफ द वेक्टर f होगा. फिजिकल मीनिंग ऑफ कर्ल. फिजिकल मीनिंग ऑफ कर्ल में हम क्या कह सकते हैं, हमारे पास लेट्स कैपिटल वेक्टर v बीटा, ये क्या है हमारे पास,
दैट इज द लीनियर वेलोसिटी. क्या है हमारे पास? लीनियर वेलोसिटी. इफ ओमेगा 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 बी द एंगुलर वेलोसिटी, हम क्या कर सकते हैं? हम एक रिलेशन डिफाइन कर सकते हैं बाय द प्रॉपर्टी ऑफ कर्ल. कर्ल ऑफ वेक्टर वी इज ऑलवेज इक्वल टू 2 ओमेगा. सो दिस इज द फिजिकल मीनिंग ऑफ द कर्ल. ओके, और अगर इसमें हमें किसी भी वेक्टर के लिए से वी हैव द वेक्टर एफ इज इक्वल्स टू एफ वन आई एफ टू जे प्लस एफ थ्री के अगर हम इस वेक्टर एफ का कर्ल लें, डेट इज कर्ल ऑफ द वेक्टर एफ, और ये अगर हमें जीरो मिलता है तो हम कह सकते हैं वेक्टर एफ इज इररोटेशनल. हम क्या बोल सकते हैं? वेक्टर एफ इज इररोटेशनल. हमारे पास क्वेश्चन क्या है? वी हैव द क्वेश्चन अ फ्लूइड. फ्लूइड मींस लिक्विड पार्टिकल. अ फ्लूइड मोशन इज गिवन बाय द वेक्टर वी. अब इसमें देखिए इन्होंने क्या पूछा है, इज द मोशन इररोटेशनल. इसने पूछा है कि मोशन इररोटेशनल है अगर हम वेक्टर वी का कर्ल लें और उसको जीरो शो कर दें तो क्या होगा? रोटेशनल इररोटेशनल होगा. अगर है तो वेलोसिटी पोटेंशियल निकालना है, और दूसरे में इज द मोशन पॉसिबल फॉर इनकम्प्रेसिबल फ्लो. पहले हम सॉल्यूशन इसको करते हैं फर्स्ट पार्ट के लिए. फर्स्ट पार्ट देखिए, वेक्टर वी ऑलरेडी हमें गिवन है, वेक्टर वी जो किसको डिनोट करता है? फ्लूइड मोशन को. सो वी हैव द वेक्टर वी इज इक्वल्स टू वाई प्लस जेड आई प्लस जेड प्लस एक्स जे प्लस एक्स प्लस वाई के. ओके, द मोशन इज इररोटेशनल. मोशन क्या है? इररोटेशनल है. कब? इफ कर्ल ऑफ द वेक्टर वी इज इक्वल्स टू जीरो. ओके, नाउ टेकिंग कर्ल ऑफ द वेक्टर वी, डेट इज हमने अभी पहले कर्ल की डेफिनेशन में देखा था. इसको हम कैसे खोल सकते हैं? आई जे के then del over del x, del over del y, del over del z, and then y plus z, next z plus x, then x plus y. ये हम डेफिनेशन में डिस्कस कर चुके हैं कि कर्ल का मीन्स कर्ल ऑफ v होता क्या है. कर्ल ऑफ v मीन्स वेक्टर डेल क्रॉस वेक्टर v. जिसको हम खोल सकते हैं बाय द डिटरमिनेंट. जिसको हम एक्सपेंड करें तो i टाइम्स ऑफ चेक इट आउट देयर डेल ओवर डेल y ऑफ x प्लस y. ओके, माइनस डेल ओवर डेल z ऑफ z प्लस x. ओके, माइनस j टाइम्स ऑफ डेल ओवर डेल एक्स ऑफ एक्स प्लस वाई माइनस डेल ओवर डेल जेड ऑफ वाई प्लस जेड. एंड देन हियर तीसरा पार्ट हम यहां कर रहे हैं, प्लस के टाइम्स ऑफ डेल ओवर डेल एक्स ऑफ जेड प्लस एक्स माइनस डेल ओवर डेल वाई ऑफ वाई प्लस जेड. हमने इसको डिटरमिनेंट की प्रॉपर्टी से एक्सपेंड कर लिया, और इसको सोल्व करने पर क्या मिलेगा? वाई का
एक्स का वाई के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन 0, वाई के रेस्पेक्ट में 1, जेड के रेस्पेक्ट में 1 और एक्स का जेड के रेस्पेक्ट में 0। ओके, सो वी हैव द आई 1-1। ओके, इसी तरीके से जे के अंदर भी क्या बचेगा, 1-1, और के अंदर भी क्या बचेगा, 1-1। सो दिस गिव्स यू फाइनल रिजल्ट, हमारे पास क्या मिलता है, दैट इज 0 मिनट। इसका मतलब क्या हुआ, द मोशन इज इररोटेशनल। मोशन हमारे पास कैसा है, इररोटेशनल है। तो पहला वाला पार्ट हमारा सॉल्व हो जाता है। लेट वेक्टर वी इज इक्वल्स टू डेल फाई, अगर हमारे पास ये रिलेशन है वेयर फाई इज द वेलोसिटी पोटेंशियल। ओके, वी इज इक्वल्स टू डेल फाई मीन्स फाई इज द वेलोसिटी पोटेंशियल, तो हमें फाई की वैल्यू निकालनी है। दोनों तरफ हमने क्या किया, डी आर के साथ डॉट प्रोडक्ट लिया। आर हमारे पास क्या होता है, पोजीशन वेक्टर, ऑलवेज एक्स आई वाई जे प्लस जेड के। तो डी आर कितना हो जाएगा, डी एक्स आई डी वाई जे प्लस डी जेड के। ओके, राइट हैंड साइड पे देखिए डेल फाई की वैल्यू क्या होगी, डेल फाई बाई डेल एक्स आई डेल फाई बाई डेल वाई जे डेल फाई बाई डेल जेड के विद द डॉट प्रोडक्ट ऑफ डी आर, और डी आर की वैल्यू क्या है, डी एक्स आई डी वाई जे प्लस डी जेड के। डॉट प्रोडक्ट की हेल्प से अगर हम इसको सोल्व करेंगे तो क्या आएगा, डेल फाई बाई डेल एक्स इंटू डी एक्स डेल फाई बाई डेल वाई इंटू डी वाई डेल फाई बाई डेल जेड इंटू डी। और ये हमारी वैल्यू किसके बराबर होगी, बाय द टोटल पार्शियल डिफरेंशिएशन दैट इज डी फाई के बराबर। सो वी हैव द वैल्यू फॉर डी फाई दैट इज वेक्टर वी डॉट वेक्टर डी आर, और अगर हम दोनों तरफ इसको इंटीग्रेट कर दें तो हमें क्या मिल जाएगा, फाई, एंड फाई इज योर स्केलर पोटेंशियल। तो सबसे पहले हम राइट हैंड साइड की वैल्यू निकालेंगे और वो है हमारे पास वी डॉट डी आर, वी आर द डी फाई वी डॉट डी आर, वैक्टर वी इज देयर एंड डॉट प्रोडक्ट विद वैक्टर डी आर। इसको अगर हम डॉट प्रोडक्ट की हेल्प से सोल्व करें तो हमारे पास डी फाई मिलता है वाई प्लस जेड डी एक्स प्लस जेड प्लस एक्स डी वाई प्लस एक्स प्लस वाई डी जेड। सो दिस इज द वैल्यू ऑफ v डॉट डी आर, और लेफ्ट हैंड साइड पे क्या है हमारे पास, डी फाई। अब देखिए हमारे पास यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड पे केवल डी फाई है और राइट हैंड साइड पे तीन वेरिएबल्स हैं, डी एक्स डी वाई डी जेड, तीन ऑपरेटर हैं। तो हम इसको सिंगल इंटीग्रेशन से डायरेक्ट नहीं कर सकते, हमें इसमें कोई टेक्निक लगानी पड़ेगी। अब देखिए इस रिलेशन को मैं कैसे लिख सकता हूँ सेपरेट करके, y dx z dx z dy प्लस x dy
प्लस एक्स डी जेड प्लस वाई डी जेड। अब मैं इसमें पेयरिंग कराऊं लाइक दैट, वाई के साथ ऑपरेटर डी एक्स है तो एक्स के ऑपरेटर साथ डी वाई, आई हैव टेकन दीज टू। फिर मैंने क्या लिया, जेड डी एक्स प्लस एक्स डी जेड, ओके इन दोनों को मैंने लिया और रिमेनिंग इज व्हाट वी हैव, जेड डी वाई प्लस वाई डी जेड। फिर मैंने लिया इन दोनों टर्म को, ओके बाय द प्रोडक्ट रूल हम इसको क्या लिख सकते हैं, बाय द प्रॉपर्टी ऑफ डिफरेंशियल हम इसको क्या लिख सकते हैं, डी ऑफ एक्स वाई प्लस डी ऑफ एक्स जेड प्लस डी ऑफ जेड वाई, डी स्टैंड्स फॉर डिफरेंशियल, ओके सो दिस इज द वैल्यू ऑफ डी वाई। देख लीजिए डी ऑफ एक्स वाई मीन्स एक्स का डिफरेंशिएशन वाई एज इट इज, वाई का डिफरेंशिएशन एक्स एज इट इज, जो कि आप हम देख सकते हैं ऊपर इसको को एक्सपेंड करके। देखिए एक्स का डिफरेंशिएशन डी एक्स वाई एज इट इज, देन बीच में प्लस का साइन एक्स एज इट इज और वाई का डिफरेंशिएशन डी वाई। इस तरीके से हमने इसको टोटल डिफरेंशियल से कैलकुलेट किया। नाउ इंटीग्रेटिंग बोथ द साइड्स, अगर हम दोनों तरफ इंटीग्रेशन करते हैं तो हमें क्या मिलेगा, डी फाई का इंटीग्रेशन फाई, डी ऑफ एक्स वाई मीन्स एक्स वाई प्लस एक्स जेड प्लस जेड वाई प्लस सी, सी इज द इंटीग्रेशन कॉन्स्टेंट। तो हमारे पास देखिए फाई निकल गया और फाई क्या होता है हमारे पास, स्केलर पोटेंशियल। तो यही वैल्यू हमें हर बार इस तरीके से कैलकुलेट करनी है। अब देखिए सेकंड पार्ट में हमें क्या प्रूव करना है, इज द मोशन पॉसिबल फॉर इनकंप्रेसिबल फ्लूड। तो सबसे पहले हमें यह बताना पड़ेगा आइदर द फ्लूड इज इनकंप्रेसिबल और नॉट। अगर हम ये प्रूव कर देते हैं कि फ्लूड इनकंप्रेसिबल है तो उसके लिए मोशन भी पॉसिबल होगा, और अगर इनकंप्रेसिबल नहीं है तो उसके लिए मोशन पॉसिबल नहीं होगा। हम जानते हैं फॉर अ फ्लूड टू बी अ इनकंप्रेसिबल, हमारे पास क्या होना चाहिए, डाइवर्जेंस ऑफ वेक्टर वी शुड बी इक्वल टू जीरो, तब हम कह सकते हैं कि फ्लूड कंप्रेसिबल है और इस इनकंप्रेसिबल फ्लूड के लिए मोशन पॉसिबल है। क्या कह सकते हैं हम, द फ्लूड इज इनकंप्रेसिबल और उसके लिए मोशन भी पॉसिबल है। तो हम डाइवर्जेंस लेते हैं, डाइवर्जेंस मीन्स क्या होता है, डेल डॉट वेक्टर वी, ओके एंड व्हाट वी हैव एज अ डेल, आई डेल ओवर डेल एक्स प्लस जे टाइम्स ऑफ डेल ओवर डेल वाई प्लस के टाइम्स ऑफ डेल ओवर डेल जेड डॉट, वेक्टर वी हमारे पास है वाई प्लस जेड, आई जेड प्लस एक्स जे एक्स प्लस वाई विद के, ओके अब इसको हम सोल्व करेंगे बाय द प्रॉपर्टी ऑफ डॉट प्रोडक्ट, आई डॉट आई वन जे डॉट जे वन के डॉट के वन एंड अदर्स आर जीरो, मीन्स आई डॉट जे जे डॉट के डॉट आई ऑलवेज इक्वल टू जीरो। तो हमारे पास क्या है, डेल ओवर डेल एक्स ऑफ वाई प्लस जेड प्लस डेल ओवर डेल वाई ऑफ जेड प्लस एक्स
प्लस। अब देखिए हमारे पास क्या मिला, थर्ड पार्ट डेल ओवर डेल जेड ऑफ एक्स प्लस वाई। ओके, तो हमें क्या नजर आ रहा है, अगर हम y और z का पार्शियल डेरिवेटिव x के रेस्पेक्ट में निकालेंगे तो ये जीरो होगा, क्योंकि जब हम y और z को x के रेस्पेक्ट में पार्शियली डिफरेंशिएशन करेंगे तो y z क्या हो जाएंगे, कांस्टेंट, और कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या होगा, जीरो। इसी तरीके से z और x का y के रेस्पेक्ट में पार्शियल डिफरेंशिएशन जीरो, और x और y का z के रेस्पेक्ट में पार्शियल डिफरेंशिएशन जीरो। तो फाइनली हमें क्या मिलता है, डाइवर्जेंस ऑफ वेक्टर v इज इक्वल टू जीरो। तो इससे क्या रिलेशन निकला, फ्लूइड इज इनकंप्रेसिबल, हेंस, अब हेंस क्या होगा हमारे पास, हेंस देयर इज अ पॉसिबिलिटी फॉर अ, देयर इज अ पॉसिबिलिटी फॉर अ इनकंप्रेसिबल फ्लूइड फॉर द मोशन। हेंस मोशन इज पॉसिबल फॉर इनकंप्रेसिबल फ्लूइड, इनकंप्रेसिबल।